वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मनोज राजगुरु और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉप 30 एमसीक्यूज फ्रॉम मुगल पीरियड। सो मुगल काल से जुड़े हुए हाई लेवल के ये 30 एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो आपको काफी इम्पोर्टेंट रहने वाला है यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर से TGT कमीशन, अलाइड, SSC परीक्षा और रेलवे के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बाबर का जन्म कब हुआ था? और ये चार ऑप्शंस आप एक बार देख लीजिए अपने स्क्रीन पर, जबकि इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1483। तो फरवरी 1483 को जन्म हुआ था बाबर का फरगना में। और बाबर ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी 1526 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न है, चारबाग बनाने की परंपरा किस शासक ने शुरू की थी? और ये ऑप्शन रहे अकबर, बाबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए अकबर। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला मुगल गार्डन भारत में किसने बनाया, तो उसका आंसर आ जाएगा बाबर ने। और बाबर ने आरामबाग का निर्माण करवाया था आगरा के नजदीक, और यहीं पे इसकी मृत्यु के बाद बाबर को दफनाया गया था। हालांकि बाद में इसके शव को स्थानांतरित किया गया था काबुल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? और इन चार ऑप्शंस को आप एक बार गो थ्रू कर दीजिए, जबकि इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए हुसैन शाह। तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था हुसैन शाह। गज सिकंदरी तथा गज इलाही में कितना अंतर था? और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी 39:41। तो 39 और 41 का फर्क था गज सिकंदरी और गज इलाही में। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? और यहाँ पर बात की गई है एक तरफ शासक की और दूसरी तरफ भारत आने वाले यात्री की। तो इन चार पेयर को आप एक बार देखिए, जबकि इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्योंकि सर थॉमस रो अकबर के शासनकाल में भारत नहीं आया था, वह है जहांगीर के शासन में भारत आया था। तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज था विलियम हॉकिंस, और यह जहांगीर के शासनकाल में आया था। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जो मुगल दरबार में आया था उसका नाम था थॉमस रो, और ये दोनों जहांगीर के शासनकाल में आए थे। जबकि ट्रेवर्नियर शाहजहां के समय आने वाला यात्री था, और मनुची औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया। कानून ए हुमायूनी किसके द्वारा लिखी गई? और इन चार ऑप्शन में से जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी ख्वाजा मीर। तो ख्वाजा मीर ने कानून ए हुमायूनी की रचना की थी। इनमें से किसने बाबर को 1502 ईस्वी में सरे पुल के युद्ध में पराजित किया था? और ये चार ऑप्शंस आप एक बार देखिए, जबकि इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए शेवानी खां। तो शेवानी खां ने 1502 ईस्वी में बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया था। और ये शेवानी खान कौन है, इसके बारे में पूरी डिटेल हम देखेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम पूरे का पूरा डिस्कस करेंगे बाबर के इतिहास के बारे में। मध्यकालीन इतिहास में वह पहला कौन सा युद्ध था जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया था? इन चार ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध हुआ था 6 मई 1529 को, और बाबर का यह संभवतः अंतिम युद्ध था जिसमें बाबर ने युद्ध लड़ा था महमूद लोदी के खिलाफ। तो महमूद लोदी इस युद्ध में हार गया था। साथ ही साथ इस युद्ध के बाद बाबर ने बिहार में अपॉइंट करवा दिया था अपना सेनापति जिसका नाम था शेर खां। तो शेर खां को इसके बाद इसने पूर्वोत्तर भारत में इंस्टॉल कर दिया था। इस युद्ध में विजय के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। और ये चार ऑप्शन है खानवा, घाघरा, पानीपत या फिर चंदेरी का युद्ध। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध जो बाबर ने लड़ा था 1527 में रणसांगा के खिलाफ, इस युद्ध में जीत के बाद बाबर ने खुद को गाजी की उपाधि से सम्मानित किया था। मासीरे आलमगिरी का लेखक कौन था? एंड दीज आर द फोर ऑप्शंस ऑन योर स्क्रीन, वेयर इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी साकी मुस्तैद खान। तो साकी मुस्तैद खान ने मासीरे आलमगिरी नामक पुस्तक की रचना की थी। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? और ये चार ऑप्शंस अफगान, फारसी, चगताई तुर्क या फिर इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी चगताई तुर्क। तो मुगल चगताई तुर्क थे बेसिकली। और यदि बात की जाए इनकी अनुवांशिक इतिहास की, तो ये दो वंशों के उत्तराधिकारी थे तुर्क और मंगोलों के।
अब अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सबसे पहले स्थापित हुआ था? और ये चार ऑप्शंस को आप एक बार देखें, जबकि इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बहमनी साम्राज्य। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी 1347 में हसन गंगो या फिर बहमन शाह ने, और बहमन शाह ने विद्रोह किया था तात्कालिक दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ। तो मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ जाके बाद में इसने पश्चिमी भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह वक्तव्य किस यूरोपीय ने दिया था? एंड दीज आर द फोर ऑप्शंस, मनुची, बर्नियर, रॉल्फिंच या फिर हॉकिंस। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, रॉल्फिंच। रॉल्फिंच का यह कथन था कि आगरा और फतेहपुर दोनों लंदन से बड़े शहर हैं। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? और ये रहे चार ऑप्शंस, जबकि इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, महम अनगा। तो महम अनगा ने मदरसा ए बेगम की स्थापना की थी और यह मौजूद है दिल्ली में, जो कि एक शिक्षा केंद्र था। भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी अनुवाद किसने किया था? और इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, फैजी। तो फैज मोहम्मद यानी कि फैजी ने लीलावती का फारसी अनुवाद किया था। इस किले का मुगलों ने दीर्घ काल तक शाही कारागार के रूप में उपयोग किया था, और ऑप्शन है झांसी, ग्वालियर, कलिंजर या फिर मांडू, जब इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ग्वालियर। तो ग्वालियर के किले को काफी समय तक शाही कारागार के रूप में प्रयोग किया था मुगलों ने। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? काबुल, गाजी, फरगना या फिर बगदाद। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, फरगना। तो बाबर मूलतः फरगना का शासक था और 12 साल की उम्र में अपनी दादी की मदद से यह फरगना की गद्दी पर बैठा था। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? और ऑप्शन है 4, 3, 5 या 7, जबकि इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 5 बार। तो बाबर ने भारत पर कुल 5 आक्रमण किए थे, जिसमें से पहला आक्रमण इसने यूसुफ जईयों पर किया था, और उसके बाद इसने 1526 में लड़ा था पानीपत का युद्ध, जबकि 1527 में खानवा का युद्ध, 28 में चंदेरी का युद्ध और 29 में घाघरा का युद्ध, और 1530 में बाबर की हो गई थी मृत्यु। प्रारंभ में बाबर का शव कहाँ दफनाया गया था? दीज आर द फोर ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आरामबाग। तो आरामबाग आगरा में प्रारंभ में बाबर का शव दफनाया गया था, लेकिन उसकी इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए, तो बाद में उसके ताबूत को उठाकर ले जाया गया था काबुल। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से दो मुगल बादशाह थे जिनका मकबरा आज की डेट में भारत से बाहर है? तो इसका आंसर आ जाएगा दो, और ये दो है बाबर जिसका मकबरा है काबुल में, और दूसरा नाम आ जाएगा जहांगीर का जिसका मकबरा है लाहौर में। इस युद्ध के बाद हुमायूं को दिल्ली छोड़कर जाना पड़ा था, और ये रहे चार ऑप्शंस, जबकि इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कन्नौज का युद्ध। तो कन्नौज का युद्ध या फिर बिलग्राम का युद्ध जिसे बोला जाता है, यह लड़ा गया था 1540 में हुमायूं और शेर खां की सेनाओं के बीच में शेर खां की हुई थी जीत, और इस युद्ध के बाद हुमायूं को दिल्ली छोड़कर निर्वासित होना पड़ा था। अब्दुल समद को अकबर ने किस उपाधि से नवाजा था? और ये रहे चार ऑप्शंस, जबकि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्री कलम। तो अब्दुल समद को अकबर ने श्री कलम का टाइटल दिया था। अकबर का आध्यात्मिक गुरु कौन था? एंड दीज आर द फोर ऑप्शंस ऑन योर स्क्रीन, वेयर इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सलीम चिश्ती। तो शेख सलीम चिश्ती अकबर के आध्यात्मिक गुरु थे, और इन्हीं के ही सम्मान में अकबर ने अपने बेटे का नाम रखा था सलीम, जो कि आगे चलकर जहांगीर के नाम से जाना गया। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवर सुहेली के नाम से किसने किया था? एंड दीज आर द फोर ऑप्शंस, वेयर इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अबुल फजल। तो अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया था अनवर सुहेली के रूप में, जबकि पंचतंत्र मूलतः एक संस्कृत ग्रंथ था जिसकी रचना की थी विष्णु शर्मा ने गुप्त साम्राज्य के दौरान। हुमायूं ने सर्वप्रथम कौन सा युद्ध लड़ा? एंड दीज आर द फोर ऑप्शन, वेयर इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दोहरिया का युद्ध। तो हुमायूं का जो सबसे पहला युद्ध था उस युद्ध का नाम था दोहरिया का युद्ध।
बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी, फारसी, तुर्की, उर्दू या फिर अरबी? और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, तुर्की में। तो थोड़ा सा टेक्निकल इस क्वेश्चन को सही कर लेते हैं। बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी उसका नाम था तुजुक ए बाबरी, और तुजुक ए बाबरी बाबर ने स्वयं लिखी थी तुर्की भाषा में, जबकि इसी बुक को बाद में बाबरनामा के रूप में लिखा गया था खाने खाना रहीम द्वारा, और उन्होंने भाषा यूज की थी फारसी। तो हुमायूं का मकबरा किसने बनाया, हाजी बेगम, अकबर, गुलबदन बेगम या फिर हुमायूं? और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, हाजी बेगम। तो हुमायूं की विधवा हाजी बेगम ने हुमायूं का मकबरा बनाया था और ये स्थित है दिल्ली में। जब अकबर ने 1558 में चित्तौड़ पर कब्जा किया था तो वहां किसका शासन हुआ करता था? एंड दीज आर द फोर ऑप्शंस, एंड आउट ऑफ दिस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, उदय सिंह। तो 1558 में जब अकबर ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की तो वहां पर उदय सिंह का शासन था, और उदय सिंह के साथ बाद में अकबर ने ट्रीटी की थी। जब हुमायूं निर्वासन में था तो कोहिनूर किसके पास था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चंस आपको केवल इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो ये रहे चार ऑप्शंस, जबकि इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शाह तहमस्प। तो शाह तहमस्प जो कि ईरान अर्थात पर्शिया से संबंध रखता था, तो हुमायूं ने कोहिनूर हीरा उसके पास अमानत के तौर पर रखा था। तो ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चंस, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। लेकिन यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय।